कहानी है 1992 की। माइकल फेल्प्स नाम के एक अमेरिकन स्विमर की, जिसने अपने आप को 7 साल की उम्र में स्विमिंग पूल में झोंक दिया और स्विमिंग में इतनी फोकस कि 12 साल की उम्र में आते आते और वो रिकॉर्ड तोड़ दिए जो उसकी कैटेगरी के नाम हो सकते थे। और यही नहीं बल्कि 2000 के ओलंपिक्स में क्वालिफाई करके महज 15 साल की उम्र में यंगेस्ट स्विमिंग प्लेयर का खिताब अपने नाम कर लिया। सफलता मानो उसके कदम चूम रही थी, हर रोज उसे एक नई सफलता मिलती जा रही थी, जिसने देखते ही देखते अपनी 18 साल की उम्र में कंट्री के वो सारे नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जिसे करना एक 18 साल के बच्चे के लिए संभव था। फिर आया 2004 ओलंपिक्स का वो दिन, जिसके लिए माइकल ने सदियों से तैयारी की थी। और जहां वो जीता ही नहीं बल्कि इतनी कम उम्र में 6 गोल्ड मेडल जीतकर ये दिखा दिया कि अब से गोल्ड मेडल जीतना उसकी आदत बन चुकी है। और माइकल यही नहीं रुका बल्कि उसने इतिहास के वो हर एक पन्ने छान मारे जिसमें स्विमिंग का कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड दफन हो। ढूंढ ढूंढ कर कॉपी पर लिख लिख कर वो सब रिकॉर्ड तोड़ने के बाद चैलेंज किया मार्क स्मिथ को, जिसने आज से कई साल पहले 1972 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जिसने एक बारी में 7 गोल्ड मेडल जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे तोड़ने का ऐलान माइकल ने कर दिया कि वो आने वाले 2008 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड तोड़कर दिखाएगा। और जिसके बाद लोगों ने इसका बहुत मजाक बनाया, लेकिन ये अपने खेल में इतना फोकस रहा कि मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं आने दिया और लग गया हर रोज दिन के 16 घंटे की ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि इसे 8 मेडल नहीं जीतने थे बल्कि इसे तो जीतने थे 8 गोल्ड मेडल। अब क्योंकि इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था तो एक दिन अचानक एक हादसा हो गया। माइकल का वो हाथ जिससे वो स्विमिंग करने वाला था, वो दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसका वो सपना 2008 में गोल्ड मेडल जीतने का इसे वो खत्म होता नजर आया। डॉक्टर ने बोला, बीजिंग ओलंपिक्स का सपना भूल जा, तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तेरा दाहिना हाथ पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब तू इस हाथ से कभी स्विमिंग नहीं कर सकता। अब इसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, एक तो पहला ये कि वो अपने सपने को भूल जाए और अपनी बाकी जिंदगी रोते हुए ये कहकर निकाले कि उसका हार्ट टूट गया था और वो स्विमिंग नहीं कर सकता था, और कहीं जाकर छुप जाए। और दूसरा ये कि जो उसका अपना गोल था 8 गोल्ड मेडल जीतने का, जिसके लिए वो इतने समय से संघर्ष कर रहा था, उसको वो आगे तक पकड़कर चले। तो बस अब उसने फोकस किया उस पर नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था, बल्कि उसने फोकस किया उस पर जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? उसके पास थे उसके दोनों पैर। डॉक्टर्स को कहा, अच्छा हुआ, अब तो जीत कर दिखाऊंगा। 1 महीने तक हॉस्पिटल में उसका इलाज चला उसके दाहिने के लिए, और सही 1 महीने के बाद अपने दोनों हाथों को भांग कर कूद पड़ा स्विमिंग पूल में और लग गया अपनी कड़ी प्रैक्टिस के साथ, जिसे देखकर दुनिया ने उसका बहुत मजाक बनाया। इसने अपने पैरों की वो कड़ी प्रैक्टिस कर ली कि जब 1 साल बाद 2008 के ओलंपिक्स में इसका हाथ रिकवर हुआ, उस स्पीड का मुकाबला कोई कर ही नहीं पाया। और ये देखते ही देखते एक के बाद एक
एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीतकर चला गया और खड़ा कर दिया स्विमिंग का एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन वो यही नहीं रुका, उसका तो गोल क्लियर था कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने हैं, जिसे उसने पूरा किया 2012 के ओलंपिक्स में, जब उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि चार गोल्ड मेडल जीतकर बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति। अब क्योंकि अपनी इतनी सफलताओं के चलते माइकल कम उम्र में ही दुनिया का पांचवा सबसे अमीर खिलाड़ी बन चुका था, तो नशे का आदीन हो गया, समय के साथ रहते रहते नशे की पाबंदियों में गिरता चला गया, जिसके चलते माइकल ने स्विमिंग से 2012 में संन्यास ले लिया। अपनी कुछ परेशानियों के चलते माइकल दुनियादारी से अलग रहने लगा, और मुसीबतें कहां माइकल का पीछा छोड़ने वाली थी, वो तो मानो इसके साथ ही रहने लगी थी। माइकल डिप्रेशन में चला गया, नशे के घेरे में घिरता चला गया, आगे तो दो बार जेल भी जाना पड़ा, और एक बार फिर माइकल को उसे उसका फ्यूचर खत्म होता नजर आया। लेकिन जो माइकल 2008 में नहीं हारा, वो माइकल आज कैसे हार जाता। माइकल ने एक बार फिर वापसी करी, खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, और पब्लिकली आकर माइकल ने अपने फैन से माफी मांगी, बोला गलती हो गई मुझसे, मगर ये गलती आगे नहीं होगी। इसके कोच ने इसे वहां आकर संभाला, और 2012 में संन्यास ले चुके माइकल फिर दोबारा जा पहुंचे 2016 के ओलंपिक्स में, जहां माइकल ने फिर से एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि पांच पांच गोल्ड मेडल जीतकर दिखा दिया कि वो पैदा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीतने के लिए, और पूरी की पूरी ओलंपिक्स की हिस्ट्री बदल दी, क्योंकि आज तक पूरे इतिहास में किसी भी गेम में किसी भी साल में किसी भी देश में और तो और किसी भी तरह से इससे ज्यादा गोल्ड मेडल आज तक दुनिया में ना तो कोई जीता है और शायद इतनी आसानी से ना तो कोई जीत पाएगा। पिछले 100 सालों के अंदर 24 ओलंपिक्स में हमारा भारत देश कुल 9 गोल्ड मेडल जीत पाया है, और यही माइकल ने 23 गोल्ड मेडल जीत कर दिखाए। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हो गया अपनी लाइफ में, या मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। और दूसरी तरफ आप विनर के पास चले जाओ, उसके पास में हजार वजह होंगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा, और वो कर जाएगा। तो दोस्तों, ज्ञान चैनल आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो से अवगत कराता रहेगा, बस आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।